हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक डेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है मार्केट में, और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ना केवल यूनिक दिखता है बट लुक स्टाइलिश टू। तो ये हमारे साथ जो स्कूटर जुड़ी है इज द बीगॉस D15 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये स्कूटर का नाम D15 Pro है। ये बीगॉस की लेटेस्ट स्कूटर जो इंडियन मार्केट में आई है, इसके बारे में आज बात करने वाले एकदम डिटेल में, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये स्कूटर कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं स्कूटर के बेसिक एलिमेंट्स से। पहली चीज़ आप क्या देखते हो स्कूटर में, वो है इसका ओवरऑल अलॉय व्हील का डिज़ाइन। ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है, एंड ये स्कूटर में आपको 16 इंच के टायर आते हैं जो शायद ही कोई और दूसरी स्कूटर देती है आज के तारीख में। सो ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही अपीलिंग, एंड आप मतलब वो झट से आपका अटेंशन कैच कर लेती है कि वाओ, दिस लुक्स क्वाइट यूनिक। जब आप ये स्कूटर को देखते तो इसमें आपको मेटल बॉडी आती है। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जहाँ पे फुल मेटल बॉडी दी गई है। बाकी के स्कूटर्स में तो काफ़ी हद तक कॉस्ट कट करने की कोशिश की जाती है विथ फाइबर बॉडी। अब अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखते हैं तो इसके हेडलैम्प्स जो है सर्कुलर है, LEDs हैं इसमें, एंड आपके पास लो बीम हाई बीम जो है वो भी LED के अवतार में ही आती है। साथ में आपको जो यहाँ लाइट्स दी हुई है अगर आप देखते हैं तो ये भी आपकी आगे ही दी हुई है। सो एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस ऑन द फ्रंट। इसमें आपको ड्यूल टोन आता है, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ब्लैक है एंड आपके पास रेड है, सो ड्यूल टोन आपको कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, जिस वजह से ये ज़्यादा कैची हो जाती है। प्लस बीगॉस की बैजिंग फ्रंट में आपको मिल जाती है, सो BG इज़ रिटन हियर। तो अगर आपने बीगॉस की स्कूटर्स नहीं देखे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू विल एनकाउंटर। इसके हेडलैम्प के अंदर भी बीगॉस की बैजिंग फ्रंट में आपको मिल जाती है। तो इसका अगर आप फ्रंट सस्पेंशन देखते हैं तो ये टेलीस्कोपिक है, ऑफकोर्स हाइड्रोलिक है, जिस वजह से आप काफ़ी ख़राब रोड्स पे भी जाएंगे तो आपकी राइड को वो अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ लेट्स लुक एट द साइड ऑफ द स्कूटर। पहली चीज़ आप क्या नोटिस करते हो कि इसका जो फ्लोर बोर्ड है एकदम फ्लैट है, तो इस वजह से आप काफ़ी आराम से यहाँ बैठ सकते हो। प्लस अगर आपकी हाइट मेरी तरह 6 फीट तो भी आपके पास अच्छी खासी जगह दी गई है, जगह की कमी नहीं है। बाय द वे, इस स्कूटर की सीट हाइट जो है 765 mm है, विच इज़ क्लोज टू 2.5 फीट, 2.5 फीट की सीट की हाइट है। प्लस इसकी विथ जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से दो लोग इस पर आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। अब ये स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, 175 mm, जो शायद ही कोई और स्कूटर इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दे पाएगा। यानी कि अगर आप ख़राब रोड्स पे जाते तो आपको दिक्कत होगी नहीं, आप आराम से जा सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। प्लस इस स्कूटर का जो मोटर है वो 3.1 वाट का है, और ये साथ में IP67 भी है। आपको पता है IP67 क्या होता है? IP67 इज़ डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो इस वजह से आप अगर इसे ख़राब रोड से लेके भी कहीं जा रहे हो जहाँ पानी वानी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब ये स्कूटर के अगर मैं स्टैंड के बारे में बात करूँ तो आपको दोनों स्टैंड मिलते हैं, मेन स्टैंड तो आ ही जाता है, प्लस आपके पास इस साइड पे साइड स्टैंड का ऑप्शन भी दे दिया गया है। सो बिकॉज ऑफ दिस आप कन्वीनियंटली अपनी स्कूटर पार्क कर सकते हो वेर एवर यू विश टू। अब अगर मैं स्कूटर के बैटरी के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको एक पोर्टेबल बैटरी आती है। ये 3.2 किलोवाट आर की बैटरी है, और मैं इसे डिस्कनेक्ट करके सिर्फ इसे उठा के घर भी ले जाके आराम से चार्ज कर सकता हूँ। बाय द वे, ये 3.2 किलोवाट आर की बैटरी और साथ में ये एक IP67 बैटरी भी है, यानी कि ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। प्लस अगर आपको घर पे नहीं ले जाना है, आपके पास यहाँ आगे भी एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है स्कूटर में, जहाँ पे आप इसे लगा के इजीली चार्ज कर सकते हैं। मोर देन दैट, अगर आप घर पे चार्ज करते हैं, कहीं पे भी बाहर भी चार्ज करते हैं, तो ये 5.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। इस स्कूटर में आपको एक बहुत ही कूल फीचर मिलता है, विच इज़ लिम्प होम फीचर। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कल को कुछ गलत हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए स्कूटर के साथ, तो ये लिम्प मोड में चली जाएगी, जिस वजह से आप अपने घर या सर्विस सेंटर या कहीं सेफली पहुंच जाएंगे, जहां पे आप ये स्कूटर से यू नो यू कैन चार्ज इट अगेन और डू वट एवर द प्रॉब्लम दैट हैज अकर्ड। आगे अगर आप देखेंगे तो आपके पास मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन एंड दूसरे आइटम भी रख सकते हैं। काफ़ी डीप है दोनों तरफ के पॉकेट्स, तो इस वजह से आप सामान ले जाने को काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। प्लस अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक हुक भी मिल जाता है इसमें। अगर आप लेफ्ट हैंडल बार देखते हैं स्कूटर का, तो यहाँ पे आपको हेडलाइट का हाई बीम लो बीम मिल जाता है, नीचे आपके पास इंडिकेटर है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव द हॉर्न।
राइट साइड के हैंडल बार पे देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल राइड मोड्स है, तो ये इको है, ये स्पोर्ट है। उसके बाद आपके पास आपका हेडलाइट ऑन और ऑफ का ऑप्शन है, एंड यहाँ से आपका स्टार्टर स्विच आ जाता है। आपके पास ये स्कूटर में एक बहुत ही वाइटल फीचर आ जाता है, विच इज़ डिस्टेंस टू एम्प्टी। ये आपको बता देगा कि आपकी स्कूटर का कितना रेंज अभी बाकी है, जिस वजह से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी स्कूटर कितना आगे तक चल सकती है। तो अभी फ़िलहाल ये 85 का रेंज दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, सो दैट मीन्स ये स्कूटर और 85 किलोमीटर्स आराम से चल सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मेरी स्कूटर कितना आगे जाएगी। बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी भी ये फीचर नहीं ऑफर करते हैं। अब इससे पहले मैं स्कूटर को चलाऊं, मैं आपको और बहुत सारे ऐसे फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो यहाँ ऊपर वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसकी जो बैटरी जो आती है उसमें आपको 20 सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको कनेक्टेड टेक मिलता है मोबाइल फ़ोन पे। जी हाँ, स्कूटर में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसे आपको पता चलेगा आपकी स्कूटर कहाँ पे है। आप स्कूटर को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, आप जियो फेंस कर सकते हैं, यानी कि आपको एक एरिया के बाहर अगर स्कूटर जाएगी तो आपको अलर्ट आए। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो मैं आपके लिए नीचे मेंशन करने वाला हूँ, ये स्कूटर में आपके लिए अवेलेबल कराए गए। प्लस आपको हेल्थ चेक का ऑप्शन भी दिया जाता है स्कूटर के अंदर, कि आप अपने फ़ोन के थ्रू स्कूटर का हेल्थ चेक करें। अब ये स्कूटर में आपको रोल ओवर मिटिगेशन भी आता है, यानी कि अगर कभी आपकी स्कूटर चलते चलते गिर गई, इन दैट केस ये इसका थ्रॉटल जो है, थ्रॉटल यानी कि एक्सीलेटर को डिसेबल कर देगा ताकि ये और डैमेज कॉज ना करे। प्लस डिड यू नो कि जब आपकी स्कूटर स्टैंड पे है, साइड या मेन कोई भी स्टैंड पे, और आप स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगी, ये एक सेफ्टी फीचर इसमें दिया गया। तो गाइज, ये अब स्कूटर में चाबी डाल दी, मैंने ब्रेक दबाया और स्टार्ट कर दिया, और हम चलते हैं इन द इको मोड। यहाँ पे हम चल दिए ऑलरेडी। इस स्कूटर का पिकअप काफ़ी अच्छा है, देखिए 50 की स्पीड तक जा सकता है इन इको मोड। काफ़ी आसानी से हम 50 की स्पीड पे पहुँच गए बिना टाइम लगाए। इज इन दिस वेरी क्विक। और अगर मैं इसको स्पोर्ट पे डालता हूँ तो ये 60-61 की स्पीड तक चले जाता है। तो ओवरऑल स्कूटर का एक्सेलरेशन इज़ गुड इनफ। अब मैंने देखो खड्डे में से गया, मेरे को खड्डा पता भी नहीं चला। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसका मेन जो क्रेडिट है ना वो जाता है इसके टायर साइजेस को। इतना बड़ा टायर साइजेस है इसके, तो इस वजह से आपको जो ख़राब रोड्स है वो ज़्यादा करके पता नहीं चलेंगे। एंड हैंडिंग, आई मीन इट्स अ स्कूटर है, स्कूटर जैसी हैंडिंग मिलेगी, आप इसको मोटरसाइकिल जैसी हैंडिंग तो नहीं मांग सकते हो। तो आपको ओवरऑल एक्सेलरेशन, राइड, ये सब में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्लस जो चीज़ मुझे स्कूटर की बहुत पसंद आई है वो ये कि ओवरऑल काफ़ी सीमलेसली चलती जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। बहुत बहुत प्यारी है स्कूटर ये। पर मैं आपको ये बता दूँ, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनके पास नहीं है, वो पहले बार इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की देख रहे हैं, या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पहले बार लेने की देख रहे हैं, तो अगर आप इसे स्पोर्ट पे चलाएंगे आपको पिकअप ज़्यादा मिलेगा, टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगी, बट वो रेंज को आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाएगा। वैसे स्कूटर की रेंज के बारे में बात कर लूँ तो 115 किलोमीटर इसका क्लेम्ड रेंज है, और मैंने जब से स्कूटर चला रहा हूँ लगभग 15-20 किलोमीटर चला लिए मैंने, अभी भी 76 का ये रियल टाइम रेंज दिखा रहा है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट। तो इस वजह से अगर आप स्कूटर 100 का आपको रेंज देता है, इट इज़ आई मीन इट्स मोर देन आइडियल यार। प्लस आप स्कूटर की बैटरी घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी ले जाके चार्ज भी कर सकते हो, विच इज़ एड्स ऑन टू योर फर्दर कन्वीनियंस एज वेल। सो आई लाइक द वे द स्कूटर इज़ ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट। एंड अब सवाल ये उठता है इसकी प्राइस कितनी। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द बीगॉस D15 Pro। इसकी प्राइस आप जानना चाहोगे, ये स्कूटर जस्ट लॉन्च हुई है और इसकी कीमत है 1,15,000 रुपये। क्या आपको स्कूटर पसंद आई या नहीं, डू लेट अस नो इन कमेंट्स। और हाँ, इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड कुछ भी सवाल हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू। कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो अगर आपको स्कूटर के बारे में कुछ जानना है। मोर ओवर, हम आपके लिए रोजाना इतना एक्साइटिंग कंटेंट लाते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, और साथ में वो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप जो लेटेस्ट वीडियोज हैं उनको मिस आउट ना करें। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।